आलू की सब्जी आपने बहुत बार ट्राई की होगी, लेकिन आज आलू के अचार की रेसिपी ट्राई कीजिए। यूनिक होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के अचार की रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा और सारे इन्ग्रीडियंट्स वही हैं जो आपके घर पर ईजिली अवेलेबल होंगी। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें 500 ग्राम छोटे साइज़ के आलू चाहिए, जिसे हमें एक विसल आने तक प्रेशर कुक कर लेना है। उसके बाद हम इसका छिलका हटा के इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब एक बॉल में हम सारे सूखे मसाले मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे डाला है मैंने आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला पाउडर की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, इसमें लगभग 1 चम्मच डालेंगे। यहाँ पर ऐड किया है मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया पाउडर की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो लगभग 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ये देखिए। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक या फिर आधा छोटी चम्मच। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर लगभग आधा छोटी चम्मच के करीब। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस मसाले को बनाने के बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपको ये रेसिपी बनानी हो तो आप फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला पाउडर तैयार हो गया है, साइड में रखते हैं। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं, जो कि फटाफट तैयार हो जाता है। तो एक कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच के बराबर तेल लीजिए। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच राई। राई की जगह पर आप सरसों का दाना भी ले सकते हैं। दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच, ताकि चटक जाए तेल में। जैसे ही जीरा और राई चटक जाएगा, हम इसमें हींग ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है। हींग डालने के बाद हमने जो मसाला पाउडर तैयार किया था वो डाल देंगे इसी स्टेज पे। अब डालेंगे इसमें हम करी पत्ता, लगभग 10 से 12 पत्ते हैं ये। सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं, और ये स्टेप आपको फटाफट करना है ताकि हमारा मसाला जले ना। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से हमने तेल में से भून लिया है। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। जैसे ही मसाला भून जाएगा, इसमें हम आलू डाल देंगे, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है, चारों तरफ कोट हो जाए आलूओं के ऊपर मसाला। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से मिला लिया है इसे। मिलाने के बाद हमें इसे कवर करना है लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर लगभग 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम हमें हाई कर देना है, और हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भूनिए, ताकि इनके ऊपर जो मसाला लगा है आलूओं के ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर आ जाएगी, और हमने जो 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर कवर करके कुक किया था, उनसे मसालों का फ्लेवर अंदर तक जाता है। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए मैंने इसे लगभग 2 मिनट तक भूना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी रहती है, 1 वीक तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज में रख के यूज़ करेंगे तो 15 से 20 दिनों तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।